तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी? होप सो सभी बढ़िया हो गए और आपका भाई भी बढ़िया है। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर कस्टम रूमफुल के प्रॉब्लम के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, एक नहीं मैं आपको तीन चार सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जिधर आपका आज इस वीडियो को देखने के बाद कस्टम रूमफुल का प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगा। कल मेरे पास एक बंदे का कमेंट आया था कि भाई कस्टम रूमफुल बता रहा है अभी भी OB22 का अपडेट आ गया। सो गाइस, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखना आपका भाई है। एंड अभी के अभी भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वेट मत करो किसी भी चीज़ का, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले कस्टम रूमफुल प्रॉब्लम जो है आती है वो बहुत ही दिक्कत करती है आपके, मतलब जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या होता है कि जब कस्टम रूम बहुत सारे बंदे क्रिएट कर रहे होते हैं तो यार उधर बहुत, मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा फ्री फायर के ऊपर लोड पड़ जाता है कस्टम रूम जहाँ पे उधर उनका चलता है। सो गाइस, उधर लोड पड़ता है, सो यार इसीलिए ये वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। सो गाइस, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब बहुत सारे बंदे इसके चक्कर में मैचेस नहीं कर पाते हैं एंड उनको दिक्कत होती है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको समझा देता हूँ एंड उसका तीन चार सॉल्यूशन है तो मैं आपको पहले समझाता हूँ। सो गाइस, पहला सॉल्यूशन तो देखो, आप सिंपल सा एक काम करना, जब भी आप कस्टम रूम बनाते हो, ठीक है, तो यार जब भी आप कस्टम रूम क्रिएट करना तो यार आपको एक बार देखो जान लेना कि यहाँ पे जब भी कस्टम रूम बना रहे हो तो यार जो भी पासवर्ड रखना, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाता हूँ, ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड रखना, बाय द वे आपने कुछ भी पासवर्ड रखा, ठीक है, मानो मैंने ऐसे ऐसे करके कुछ भी डाल दिया एंड ये है 9 डिजिट का, ठीक है, तो इसको 15 मतलब कि 5-3-4 और चीज़ बढ़ा देना इसमें, ठीक है, तो मतलब ये 10 से ज़्यादा रहेगा तब आपके लिए सही रहेगा, एक बार आप इसका ट्राई कर सकते हो ज़रूर से। तो पहले आप ये ट्राई करना, उसके बाद जो बताने वाला हूँ आगे वो सब ट्राई करना, ठीक है। पहले आप पासवर्ड एक बार अपना चेंज करना, मतलब जो ये बना रहे उसको 1-2 डिजिट आगे बढ़ा देना, ठीक है, तो इससे आपको सॉल्व हो सकता है ये प्रॉब्लम। सो गाइस, अब बात करते हैं हमारे सेकंड सॉल्यूशन के बारे में। सो गाइस, अगर जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया ये इसको करने से आपका नहीं सही होता है तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, गेम को लॉग आउट कर देना, उसका गेम बंद कर देना, उसके बाद वापस से गेम खोलना रिसेंट से हटा के, उसके बाद वापस से लॉग इन होना एंड फिर ट्राई करना यहाँ पे क्रिएट करने की कस्टम रूम कार्ड। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड सॉल्यूशन के बारे में एंड यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या है। गाइस, थर्ड सॉल्यूशन में क्या होगा, सिंपल आपको मतलब कि जो अभी आपने मैंने दो आपको बताए हैं, तो पहले आप इन दोनों को ट्राई करना, उसके बाद थर्ड सॉल्यूशन ट्राई करना, ओके। तो थर्ड सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ पे सेटिंग पे आ जाओ, सिंपल, ठीक है, उसका सेटिंग पे आ जाओ, उसके बाद यहाँ पे अदर्स पे आ जाओ, नीचे एकदम आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है अदर्स का, उसके बाद यहाँ पे देखो क्लियर ब्राउजर, ब्राउजर क्या लिखा है, क्लियर कैचे, तो यहाँ पे क्लियर कैचे सिंपल कर दो, उसके बाद यहाँ पे बस ब्राउजर क्लियर कैचे कर दो, उसके बाद नीचे आओ थोड़ा सा तो इधर लिखा रहता है यहाँ पे कनेक्शन रिपोर्ट। तो इस कनेक्शन रिपोर्ट पे आपको एक बार सेंड रिपोर्ट करना पड़ेगा। इससे होता क्या है कि अगर आपके फ्री फायर वाले आईडी आते हैं, इंडिविजुअली चेक करते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है और सारी A to Z प्रॉब्लम चेक करते हैं, ऐसा तो मत करना कि आप हैक वैक यूज़ करते हो एंड आप सेंड रिपोर्ट कर दिए तो भाई आपका अकाउंट भी बैन हो जाएगा, फिर ऐसा काम मत करना है, उसके लिए उनसे मत बोलना अकाउंट बैन हो गया, मतलब कि ये एक बात बता रहा था जो हैकर के लिए होती है। सो यार, बट यहाँ पे अगर आप नॉर्मल बंदे हो, अगर आपको ये दिक्कत हो रही तो सिंपल आपको आ जाओ अदर पे, थोड़ा नीचे आ जाओगे क्लियर कैचे एंड सेंड रिपोर्ट पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपका मतलब कि फ्री फायर वाले 12 आवर के अंडर आपकी आईडी चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको फिर नहीं देखने में मिलेगी। गाइस, इतना करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम नहीं चेक होती तो यार आप एक बार अपना एयरप्लेन मोड में फ़ोन डाल सकते हो, उसके बाद नहीं तो आप एकदम अपने मोबाइल के स्टोरेज में जाओ, जिधर ऐप्स रहता है उसका फ्री फायर का क्लियर कैचे कर देना, ठीक है, उधर से क्लियर कैचे करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, उसके बाद क्लियर कैचे करोगे, उसके बाद फिर आना लॉगिन होना सिंपल, उसके बाद यहाँ पे कस्टम रूम क्रिएट करने की कोशिश करोगे, देन गाइस आपका यहाँ पे कस्टम रूम क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे बस ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं इन कुछ स्टेप को आप फॉलो करोगे तो यार 100% मैं आपको कह सकता हूँ कि आपका कस्टम रूम जो फुल प्रॉब्लम है वो आपको 100% सॉल्व हो जाएगा। इनमें से पहले जो स्टार्टिंग से मैंने बताए हैं तो एक एक करके सारा ट्राई करना, अगर एक पे एक नहीं काम कर रहा है तो एक पे एक ट्राई करते हैं, बट इनमें से मैं आपको गारंटी साथ कह सकता हूँ इनमें से कोई एक ना एक तो आपकी आईडी पे जरूर काम करेगा एंड हो सकता है जो मैंने पहले ही दो स्टेप बताए हैं उसी में आप बहुत सारे बंदों का सॉल्व हो जाए। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो एंड वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो मेरे स्टार्टिंग में बोलने के बाद भी, तो अभी तो भाई लोग सब्सक्राइब कर ही दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना अभी, ठीक है गाइस, तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।